टाइम दोपहर का 1 बज रहा है और इस दोपहर को 1 बजे आप झीझी पोका जिसको कहते हैं उसका आवाज़ सुन सकते हैं। आपको पता चला इस जगह का नाम क्यों भूत बंगला है? दिन में भी झीझी पोका, भूत भूत रहता है क्या सच में? खुफिया सूत्र से पता चला है कि ये जगह एक जमाने में जो है बहुत ही हरा भरा हुआ करता था। वो आपको ये जगह देखकर ही शायद पता चल रहा होगा कि
आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा टाइल्स लगा हुआ है, दीवारों में भी टाइल्स लगा हुआ है, तो मतलब कि एक बहुत ही हरा भरा एक जगह हुआ करता था। तो लेकिन बाद में यहाँ पे माओइस्ट अटैक हुआ किया गया, और माओइस्ट अटैक के बाद जो माओवादी अटैक होता है वो अटैक होने के बाद ये जगह बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। वो माओवादी अटैक माओइस्ट अटैक के बाद ये जगह पे लोगों का आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और धीरे धीरे ये जगह एकदम ऐसा भूत बंगला जैसा बन चुका है। और अब तो इस जगह पे कोई भी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये जगह है, ये जगह पे ये जो घर है अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है। जो टाइल्स लगाया गया था, ये जो पूरा फार्म था इस फार्म में, तो ये एक बात का सबूत है कि शायद इस जगह पे बहुत बहुत ही डेवलपमेंट किया गया था इस जगह के ऊपर। ये शायद कोई किचन लग रहा है देख के, मुझे पता नहीं है, मैं गेस करके बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि दीवारों में टाइल्स लगा हुआ है, तो एक घर की दीवारों में ऐसी खुली जगह पे एक घर की दीवारों में जब टाइल्स लगाया जाता है तो शायद वो जगह की डेवलपमेंट के लिए ही बनाया जाता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये जो जगह है मेरे पीछे, पूरा का पूरा जगह अभी टूट चुका है। देख रहे हो कि मेरे पीछे जो जंगल है, ये जो जंगल आप देख रहे हो ये बहुत ही बड़ा सा जंगल है, ये पूरा पूरा जंगल इलाका है। तो ये जो जंगल है, इस जंगल में हाथी का आना जाना रहता है, वो भी का जो गांव के लोग हैं, वो गांव के लोग बोल रहे हैं कि हाथी आता है। वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाया गया था। मेरे फीलिंग्स बिल्कुल ओम शांति ओम में शाहरुख खान जैसा हो गया। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे एक मंदिर है, और चलिए जाके देखते हैं। अगर आप बाहर में रहते हो और अगर आप इस जगह पे आना चाहते हो तो सिंपल सा रूट बता रहा हूँ। अगर आप झाड़ग्राम की स्टेशन से आना चाहते हो तो स्टेशन से सीधा आपको आना पड़ेगा पेपर मिल की तरफ। मिल के तरफ आने के बाद तीन मोड़ आपको मिलेगा, एक चला जाता है शारदा विद्यापीठ की तरफ, दूसरा रास्ता जाता है चिल्कीगढ़ की तरफ, और तीसरा रास्ता जो सीधा आता है उस तरफ आता है वृंदावनपुर। और उस वृंदावनपुर की तरफ अगर आप आओगे तो ये जगह आपको देखने को मिल जाएगा। बस पे आ सकते हो, ट्रेन पे आ सकते हो। ट्रेन में उतरने के बाद सिर्फ एक टोटो पकड़ना है आपको, और कहना है कि मेरे को वृंदावनपुर जाना है, ठीक है। उस जगह पे आने के बाद ये जगह आपका रूट आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जगह आपको देख के अच्छा लगा। ये प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए और मॉडल जो फोटोशूट करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो खास करके झाड़ग्राम के बाहर लोग रहते हैं वो लोग इस जगह पे आके आराम से एक दिन घूम कर जा सकते हैं। जो लोग झाड़ग्राम को प्यार करते हैं, जो लोग नेचर को प्यार करते हैं, जो लोग प्रकृति को प्यार करते हैं, वो लोग इस जगह पे आके आराम से वीडियो कर सकते हैं, फोटोशूट कर सकते हैं। और इस जगह पे ज़्यादा इंसान नहीं आते हैं, ज़्यादा कोई भी डिस्टर्बेंस इस जगह पे नहीं है, तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। मैं पहली बार इस जगह पे आया था और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं दोबारा इस जगह पे ज़रूर आऊँगा। तो यही बात कहते हुए आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन था, वो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहली बार इस जगह पे आके, पहली बार आपको ये जगह दिखा के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छे रहिए, नेचर को प्यार कीजिए, और हो सके तो मेरे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।